अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, ये सारे मक्खी हैं जो मैंने निकाली थी पॉट्स में से। ये देखिए सारी ये निकल चुकी हैं। अब इसको अच्छी सी धूप, बहुत तेज़ है, धूप में रख दिया गया। 2 दिन तक ये धूप में रहेगी। जब ये धूप में इसलिए इसे रखा जाएगा, इसमें अगर कोई जेम्स वगैरह है पूरे में, वो डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, फिर ये हमारे यूज़ के लायक हो जाएगी। तो फिर हम इसको ना ये जो पॉट्स में है ना, मैं इसमें और अपने सो कंपोस्ट मिला लूँगी, और मिलाकर उसमें ये मैं डालूँगी सारी। फिर से ये मट्टी का यूज़ होगा और उसमें प्लांट्स लगाए जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको ऐसा फ्लप कर दिया गया जैसा कल मैंने जो जो काम किया है बताती हूँ। ये देखिए सारा निटर गया। और ये देखिए, इसमें भी ये कंपोस्ट बना रहे थे ना, इसमें भी मैंने सो मिट्टी डाली। ये प्लांट्स लगेंगे अभी। ये देखिए अरेंजमेंट थोड़ा चेंज हो गया है। ये देखिए, ये सारा चेंज हो गया है, सब चेंज कर दी मैं। ये देखिए, इसमें कंपोस्ट बन रही थी ना, उसमें और मिट्टी फुल कर दी मैं, क्योंकि अब मैं इसमें कुछ अभी प्लांट लगा लूँगी तो ये काम में आ जाएगा। और आप देखेंगे ये राइस बैग है, राइस का जो बैग होता है ना, जो वेस्ट होता है ना, उसको यूज़ किया है मैंने। और ये देखिए, सोच रही हूँ नींबू का ही इसमें लगा दूँ। नींबू का आप अच्छा से लगा सकते, और वो बड़ा भी है बैग, तो स्पेस अच्छी मिल जाएगी। ये देखिए मटका, मैंने जो कंपोस्ट बताया था ना आपको बनाना, वो यहाँ मैंने रख दी है। ये देखिए मट्टी है, ये जो बैग्स में है भरी हुई है, फुल है। ये हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम थोड़ा थोड़ा नीट करते कर लेंगे, क्योंकि एकदम सारा तो काम नहीं होगा। ये देखिए सीताफल के इसमें प्लांट्स हुए हैं, इसको भी निकाल के कोई एक पॉट में लगा लूँगी मैं। ये देखिए, ये देखिए कुलिस मैंने इसमें लगा दिया है। ये देखिए, इसमें भी बहुत तेज़ धूप है, देख सकते हैं आप। तो मैं मिट्टी की ही देखने आई थी। ये देखिए, ये पॉट में से निकले हैं, ये रेन लिली के दिख रहे हैं मुझे। अब कौन से कलर के हैं ये, कौन से प्लांट्स हैं ये नहीं पता। अब मैं ये लगा लूँगी, न्यू पॉट्स में लगा लूँगी ना, तो जब इसमें आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स के ही है वो। तो ये देखिए सारा ये सेट इधर हो गया है, और अब ये नीट करना होगा। ये देखिए पानी डालने पे ना, आप जब कभी कोई पॉट्स है आपके पास रखे हुए, जिस तो पहले आप उसमें वाटरिंग करिए। ये देखिए, वाटरिंग करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट के रूट्स अच्छे हैं या उसमें जाने। ये देखिए न्यू आके इसमें प्लांट्स, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हर कलर के थे। ये देखिए ये रेन लिली है। फिर से इसको पानी डाल के थोड़ी सी हम कंपोस्ट भी डालेंगे इसमें, तो जब इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह सब मिलेगा ना, तो ये अच्छी सी हो जाएगी। तो जो जो डेड लीव्स है पूरे कट कर देंगे। ये देखिए, इतनी गर्मी है ना, कितने बार पानी दीजिए आप उतनी बार है सो कम ही हो रहा है प्लांट्स के लिए। ये देखिए रोज़ा भी बड़ा हेल्दी है। ये देखिए, तब कभी कर रखे हुए आपके पास पॉट्स हो ना, तो पहले आपको उसमें वाटरिंग करिए 3 डेज। देखिए खुद ब खुद अच्छे हेल्दी हो गए हैं, खुद ब खुद निकल आए हैं ये प्लांट्स। आप देखिए ऐसे डेड थे ये एकदम, लेकिन जैसा ही हमने वाटरिंग इसमें शुरू की, ये देखिए ये हेल्दी हो गए। और इसको रिपोर्ट करना है, ये भी रिपोर्ट होंगे। तो इस पर मैंने ऐसे रख दिया है, बाद में रिपोर्ट कर दूँगी। आहिस्ता आहिस्ता ही हमें करना पड़ेगा। ये भी जो ग्लास है ना, इसको भी रिपोर्ट करना है मुझे, ये भी रिपोर्ट होगा। इसको भी एक पॉट में लगा देंगे। और ये देखिए थोड़े से पॉट्स को हमने रिपोर्ट किया है, प्लांट्स लगाए हैं, फ्रेश हो गए। ये देखिए बहुत फ्रेश हो गए, फ्लावरिंग भी करेंगे क्योंकि इस पर धूप अच्छी आ रही है। देखिए इसमें भी जान आ गई है पूरी, 3-4 डेज से वाटरिंग हो रही है ये प्लांट्स में, तो ये बहुत हेल्दी हो दिख रहे हैं। डेड प्लांट डेड लीव्स पूरे निकाल देंगे। ये देखिए रेन लिली है, थोड़े से ही मैं आपको बताऊँगी, पूरे तो नहीं बताऊँगी, पूरे आपको मैं फिर वीडियो में बताऊँगी। थोड़े थोड़े ही कलर कर सकेंगे, एकदम इतने तो प्लांट्स एक दिन में नहीं बता पाऊँगी मैं। तो ये देखिए वाटरिंग करने से ये अच्छे हेल्दी हो गए। ये देखिए ये भी वाइट वाले हैं, अब पूरे ये अच्छे से हो जाएंगे। पानी आप जब डालते हैं ना, तो प्लांट खुद ब खुद जब उसको मिलते हैं पानी मिलता है, तो वो खुद ब खुद फ्रेश हो जाते हैं। तो ये देखिए क्रोटन हमने लगा दिया, ये भी क्रोटन है लगा दिया। इसमें भी देखिए कुछ न्यू सीड्स थे शायद इसमें, ये देख रहे हैं आप सीड्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें लगाया है डसीना, लेकिन इसमें आ रहे हैं। अगर ये सीड्स किसी अच्छे प्लांट्स के हो और काम में आ जाए, या कोई फ्रूट्स के हो या फ्लावरिंग, अक्सर हम क्या होता है ना कंपोस्ट बनाते हैं ना, उसमें हम ऐसा
रख देते हैं ना सीड्स, जब नीचे ऊपर करके हम पानी देना शुरू करते हैं तो वो सीड्स भी ज़िंदा हो जाती है। तो ये भी अब हम लोग, ये देखिए कितने फ्रेश हो गए हैं ये प्लांट्स भी। तो यही था जी अपडेट समझ लीजिए गार्डन का, या ओवरव्यू समझ लीजिए। अगर आपको ये वाइजेड गार्डन की वीडियो पसंद आते तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही था आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।